एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। सो हैप्पी टू हैव यू बैक। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग फॉर अ डेंटिस्ट। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज टू हैव वन ऑन वन इंटरेक्शन विद योर क्लाइंट। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप फोन कॉल पे अपना डिस्कवरी कॉल या डिस्कवरी मीटिंग करें। इट्स बेटर टू हैव फेस टू फेस मीटिंग। सो उस मीटिंग में आपको बात क्या करनी है, आपको ये पूछना है कि वो क्या चैलेंजेस अपनी इंडस्ट्री में फेस कर रहे हैं, उन्होंने क्या पहले कोई सर्विसेज ली है, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम्स आई, उनको कैसे रिजल्ट्स रहे, वो सब आप उसी मीटिंग में डिस्कस करेंगे। बिकॉज क्या होता है, हर एक इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस हैं, वो एक जनरल चैलेंजेस हैं। बट देन अगर आपने सर्विसेज ली हैं, क्या पता उन्होंने ऑलरेडी सर्विसेज ली हो, उनको फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहा हो। मीटिंग से हेल्प क्या होगा, हमें समझ में आएगा कि क्या उनके एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक है भी या नहीं। हमें उन्हें काफी सारी चीजें बतानी होंगी और पूछनी होगी। इस वीडियो में हम सिर्फ चैलेंजेस और सॉल्यूशंस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक डेंटिस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हो अगर आपको उस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड दैट इज योर फर्स्ट क्लाइंट, तो आप उन रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हो। एंड लास्टली, अगर हम चैट जीपीटी के बारे में बात नहीं करेंगे तो ये वीडियो कम्प्लीट ही नहीं होगी, राइट? सो चैट जीपीटी की हेल्प से हम ऐसे कौन से बहुत स्मार्ट प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हैं जो हमें हेल्प करेंगे टू क्रिएट ब्लॉग्स एंड इवन टू गेट द लीड्स। आई एम नॉट किडिंग, जस्ट वेट फॉर इट। फर्स्ट टॉक अबाउट आवर फर्स्ट चैलेंज, दैट इज बजट कॉन्स्ट्रेंट्स। जरूरी नहीं है कि हर क्लाइंट के पास बहुत अच्छा बजट हो, राइट? दे माइट बी स्टार्टिंग देयर करियर, कुछ भी हो सकता है, राइट? बजट कॉन्स्ट्रेंट्स एक बहुत कॉमन चैलेंज है। आई एम सो श्योर बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिनकी ये कंप्लेंट रहती है कि क्लाइंट को रिजल्ट्स बहुत सारे चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, बट बजट नहीं है इन्वेस्ट करने को। एंड दैट्स ट्रू, आई टेल यू व्हाई। हम जो टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं वो है 3 to 6 months का। कुछ भी मार्केटिंग में हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, बट इतना टाइम लगता है बिकॉज इतना मैंने काम कर दिया है। सो आई नो इट टेक्स टाइम। आप डिस्कवरी मीटिंग करेंगे तो आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही सेट करेंगे एंड आप क्लाइंट को भी ये चीज समझाएंगे। सो हम 3 to 6 months का टाइम लेके चल रहे हैं। उन 3 months में हमें क्या करना है और फिर 3 months के बाद हमारी स्ट्रैटेजी चेंज होगी। ऐसा नहीं होगा ना कि आपने क्लाइंट ऑनबोर्ड किया और आते ही आप उनको बोल रहे हो कि इतना इन्वेस्ट करिए, पेड एड्स चलाइए, वो नहीं होगा। इफ दे हैव अ बजट, व्हाई नॉट गो फॉर इट, स्टार्ट रनिंग गूगल एड्स साइड बाय साइड। अगर उनका ब्रांड अवेयरनेस जीरो है, कंटेंट क्रिएशन जीरो है, तो आप पेड मीडिया पे, पेड मार्केटिंग पे डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। यू विल स्टार्ट विद ऑर्गेनिक मार्केटिंग। तो 3 months हम उस ब्रांड की अवेयरनेस बनाते हैं थ्रू हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन। जरूरी है क्लाइंट को ये समझाना कि अगर बजट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं तो हम इनिशियली कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी पे ही फोकस करेंगे। हम बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स बिल्ड करेंगे, वेबिनार्स करेंगे, जितना भी फ्री रिसोर्सेज के थ्रू मार्केटिंग हो पाए वो सब होगा। बट फॉर दैट यू हैव टू गिव 3 months, इट टेक्स टाइम। नाउ लेट्स जंप ओवर टू द सेकंड चैलेंज। सेकंड मोस्ट कॉमन चैलेंज दैट इज फेस्ड बाय द डेंटिस्ट इज हम कहाँ पे स्पेंड करें और कैसे स्पेंड करें, choosing the right platform. आपको लग रहा होगा मैं भी यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख रही हूँ, it's just because last की जो भी videos मैंने बनाई हैं, मैं हमेशा कोई ना कोई important point miss कर जाती थी। मुझे document में सब points लिख लेने चाहिए so that I don't miss on anything important. Alright, तो second challenge के बारे में हम बात करते हैं। अगर आपका जो client है वो dentist है तो second most common challenge जो वो face करेंगे, कहाँ spend करना है और कितना spend करना है, right? तो एक example आपको देती हूँ। अगर मुझे tooth pain है so I will not go on Facebook या Instagram to you know get the cure of it. I just go on Google में search करूँगी dentist near me, right? तो आपको ये भी देखना है कि राइट अप्रोच क्या है। आप अपना जो बजट है वो ऑलरेडी इतना लिमिटेड है, अगर आप उसको गलत जगह पे लगा दोगे तो आपके मार्केटिंग एफर्ट्स वेस्ट में जाएंगे। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले देखना है कि आपका आइडियल ऑडियंस कहाँ पे है, जिसके बारे में मार्केट भी बात करेगी कि कैसे बायर पर्सोना क्रिएट करना है, जो बहुत जरूरी है हर एक इंडस्ट्री में। सबसे पहली चीज वही एक मार्केटर करता है। जो चीज आपको करनी है वो है स्ट्रॉन्ग लोकल SEO। अपने लोकल एरिया में डेंटिस्ट को कैसे रैंक कराना है वो भी बहुत जरूरी है, उसकी वीडियो भी आएगी बहुत जल्दी। सो जो थर्ड चैलेंज होगा वो होगा हाउ टू हैंडल नेगेटिव क्रिटिसिज्म।
हर क्लाइंट आपके पास ये आके बोलेगा, जो मुझे इतने नेगेटिव गूगल रिव्यूज मिल रहे हैं, वो चाहे कंपेटिटर्स से मिल रहे हो, उनकी स्ट्रैटेजी को आपको यू नो ब्रिंग डाउन करने के लिए, वट एवर इट इज, बट उन रिव्यूज का करना क्या है? नेगेटिव रिव्यूज तो आएंगे, बट देर हैज टू बी बैलेंस. नाउ पीपल आर वेरी स्मार्ट कि कंपेटिटर्स करते ही हैं, सो डू नॉट लाइक यू नो ड्वेल ऑन दोज नेगेटिव रिव्यूज, एंड ऑल्सो एज वेल एज पॉजिटिव रिव्यूज, देर हैज टू बी अ बैलेंस. तो एज एन एजेंसी ऑनर या फिर एज अ फ्रीलांसर, आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कैसे ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट करना है अपने क्लाइंट का. एक चैलेंज होगा जो आपको ओवरकम करना होगा. नाउ कम्स द रोल ऑफ द डेंटिस्ट. उनको अपनी सर्विसेज, बहुत हाई क्वालिटी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, टेस्टिमोनियल्स उनको कलेक्ट करने पड़ेंगे, एंड थ्रू आउट देयर वर्क लोगों को सोशल प्रूफ चाहिए. सोशल प्रूफ, वर्ड ऑफ माउथ, रेफरल्स, इट्स द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग. चाहे हम लोग कितने भी एडवांस हो जाए, स्टिल you know you're dealing with humans, so that is something that you just cannot escape. So agla jo challenge hai, choosing the wrong agency. Agar dentist hain, I'm sure aap bhi ye sab cheeze face kar rahe honge, to uska solution kya hai? Aap jab contract kar rahe hain kisi freelancer se ya kisi agency se, do not go for a long term contract. Pehle aap dekhiye 3 to 6 months unki services leke. Aisa bhi nahi hai aap unko 1 month ya 2 month mein unko judge karenge. Please don't do that. Agar kuch agencies aisa kar rahi hain, they are not producing quality content. Aap samjho, aapko sirf एडुकेट नहीं करना है, आपको सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं करनी है, आपको कॉपी राइटिंग भी करनी है, आपको कन्वर्जन्स भी चाहिए. तो जो भी ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि हाँ इतना दे देंगे हम रिजल्ट्स, दैट्स नॉट रियलिस्टिक, ट्रस्ट मी ऑन दैट. तो 3 to 6 मंथ्स को आप दीजिए किसी भी एजेंसी को, एंड थ्रू आउट सी द मंथली रिपोर्ट्स कि क्या हो रहा है, टच में रहिए उनके. महीने में आप एक दिन दे सकते हैं जहाँ पे आप एजेंसी के टच में हैं, जो भी कंसर्न पर्सन, आप उनसे डिस्कस करिए कि क्या क्या यू नो चीजें चेंजेस हुए हैं, क्या क्या ग्रोथ हुई है, तो वो आप कर सकते हैं. इट वुड बी टू ऑलवेज गो फॉर अ नीश स्पेसिफिक एजेंसी. अभी पूरा डिजिटल मार्केटिंग का सिनेरियो चेंज हो चुका है. देर आर एजेंसीज वो आर स्पेशली वर्किंग फॉर डेंटल क्लिनिक्स, देर आर एजेंसीज वो आर स्पेशली वर्किंग फॉर जस्ट लॉयर्स. सो चूज अ नीश ओरिएंटेड एजेंसी ओनली, दैट वुड हेल्प यू टू गिव मोर रिजल्ट्स. तो आपको उनके पास्ट क्लाइंट्स का वर्क चेक करना है, आपको देखना है कि वो चैलेंजेस सिमिलर हैं एंड उन्होंने कैसे वो ओवरकम किए चैलेंजेस. दैट इज वॉट विल बिल्ड द ट्रस्ट इन दैट एजेंसी. Okay, so the next challenge is putting all the eggs in one basket and inconsistent marketing efforts. अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, लाइक आई सेड, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. आप भले ही यू नो अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर सकते हैं, बट अगर आपको लगेगा मैं 6 मंथ्स कुछ नहीं करूं, योर पोजीशंस विल चेंज, राइट? सो आपको कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट विद योर मार्केटिंग एफर्ट्स, एंड इट विल पे यू इफ यू आर डूइंग द राइट वर्क. अगर आपको थोड़ी नॉलेज है, एंड इफ यू चूज, एंड इफ यू लकीली चूज द राइट पर्सन एंड द राइट एजेंसी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो लाइफ टाइम वैल्यू होती है वो आपको कैलकुलेट करना है. अ लॉट ऑफ पीपल यू नो इन्वेस्ट अ लॉट इन एड्स, बिकॉज जितना आपको कस्टमर को एक्वायर करने में खर्चा लगता है, बट कस्टमर उतना आपको पे बैक भी करना है. दैट इज व्हाई दोस पीपल आर पेइंग देम अगेन एंड अगेन. अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं फेसबुक एड से, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गूगल एड्स. ऑलराइट, तो आपको एक अच्छी होस्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करना है, एक अच्छे कॉपीराइटर में पैसा इन्वेस्ट करना है, देन जो एड स्पेशलिस्ट होगा उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है. सो डाइवर्सिफाई योर बजट, एंड फॉर दैट ओनली वी क्रिएटेड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट चैलेंज, दैट इज लैक ऑफ टाइम एंड एक्सपर्टीज. यू नो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल होगा, उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं होगी और उतना टाइम ही नहीं. बट गो थ्रू दैट कि हाँ चलो यूट्यूब वीडियोज देख ली और सीखना स्टार्ट कर दिया. सीख हर कोई सकता है, बट इम्प्लीमेंटेशन टेक्स टाइम. तो आपको एक प्रोफेशनल चाहिए ही चाहिए जो आपके बिजनेस को टेक केयर करे. आप वर्चुअल बिजनेस असिस्टेंट्स हायर कर सकते हैं फॉर अ टाइम बीइंग, जो आपको हेल्प करें आपके प्रोजेक्ट्स में. डिजिटल मार्केटिंग इज अ स्किल दैट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, दैट नीड्स एक्सपर्टीज, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग. सो मेक श्योर यू चूज द राइट पर्सन फॉर योर बिजनेस. ओके, नाउ लेट्स लर्न क्विकली हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर अ डेटिस्ट. Alright everyone, so अभी हम बनाएंगे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर अ डेंटिस्ट. ये मैं आपको टिप्स एंड बिट्स दे रही हूँ, तो जो भी डेंटिस्ट हैं वो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं. पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स एक एजेंसी, डिपेंडिंग ऑन द बजट एंड यू नो पर्सनलाइजेशन, कितनी जाते हैं डेंटिस्ट, क्या उनका बजट है, कितने लेवल पे वो जाना चाहते हैं, तब बनती है. बट ये जो चीज़ें हैं ये तो करनी ही करनी होंगी, एंड दिस कॉन्क्लूड 70% ऑफ योर स्ट्रैटेजी. ओके, अगर आप एक डेंटिस्ट हैं, सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक प्रोफेशनल वेबसाइट की.
उस वेबसाइट की क्यों जरूरत है? बिकॉज उस वेबसाइट पे आप ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स डेली अपडेट करेंगे, आप सर्विस पेजेस क्रिएट करेंगे, जो भी सर्विसेज आप मेन सर्विसेज अपनी क्लाइंट्स को देते हैं उन सबके पेजेस बनेंगे। वो ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उसी से ही आपकी रैंकिंग्स अच्छी होंगी, इम्प्रूव होंगी सर्च इंजन पर। तो हर एक सर्विस पेज का, हर एक सर्विस के लिए एक अलग पेज होगा, देन आपके लिए एक चैटबॉट क्रिएट किया जाएगा ताकि हमें वहीं पर लीड्स मिले, ठीक है। और आपका एक होम पेज इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा विद स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शंस, क्योंकि हमें, हमारा जो पर्पस है वो सिर्फ ट्रैफिक लाना नहीं है, उसका कन्वर्जन भी है। तो ये जो वेबसाइट पे है इस पर काफ़ी सारी चीज़ें की जाएंगी, इंटरैक्टिव कंटेंट थ्रो किया जाएगा। लेट सपोज किसी को अगर कोई सर्विस चाहिए तो उसका वर्चुअल टूर दिया जाएगा, ऑफिस का वर्चुअल टूर दिया जाएगा, सर्विस कैसी होती है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा थ्रू इंटरैक्टिव वेज। सो आई मीन विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी आपकी जो प्रोफेशनल एक वेबसाइट है वो तैयार की जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है लोकल SEO। जैसे मैंने आपको बोला, बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक डेंटिस्ट को रैंक कराना है उनके एक पर्टिकुलर लोकेशन में, तो आपको लोकल SEO क्रिएट करना ही होगा। आपको उनकी गूगल लिस्टिंग करनी पड़ेगी गूगल माई बिजनेस पर, जिसको हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बोलते हैं अब। तो वहाँ पर आपको डेली पोस्ट अपडेट करने पड़ेंगे। आप ऑब्वियसली एक एजेंसी को बोलेंगे, वो यही सब चीज़ें आपको करके देंगी, ठीक है। और रेगुलरली आपको पोस्ट अपडेट करना है, जो भी आप अगर डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी भी कारण आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहाँ पे आपके सारे अपडेट्स आएंगे, टेस्टिमोनियल्स दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो लोकल SEO बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। तीसरा जो पॉइंट है वो है इंटरैक्टिव कॉन्टेंट ऑन सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये एक अलग से तैयार की जाती है, मैं इसको इसी में कंक्लूड कर रही हूँ बिकॉज ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। अब यहाँ पे हम क्विज रन करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमें क्यों अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज यहाँ से मिलेगा हमें बहुत सारा डेटा, बहुत सारा फीडबैक। आपके जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, तो हम क्विज रन करेंगे, हम पोल्स क्रिएट करेंगे, हम जानेंगे कि वो उनको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, और उसी डेटा पे ही हम अपनी एड्स रन कर सकते हैं। जितना डेटा होगा उतना कम है, तो टू मेक श्योर कि हम ये सब चीज़ें एक उसी डेटा के लिए कर रहे हैं ताकि हम वो सर्विसेज को प्रमोट कर पाएँ ऑडियंस के लिए, ठीक है। तो इंटरैक्टिव कंटेंट ऑन सोशल मीडिया ये काफ़ी ज़रूरी है, जहाँ पे आप क्विज, चैलेंजेस ये सब रन कर सकते हैं। डिजिटली आप डेंटल एडुकेशन दे सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर पोस्ट दिखा सकते हैं। तो यही आपकी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है कि कितने तरीके के आपके कॉन्टेंट फॉर्मेट्स वहाँ पर डाले जाएंगे। देन कम्स गूगल एड्स। गूगल एड्स में क्या होता है, बहुत सारी एड्स होती हैं, है ना। तो हम डेंटिस्ट के लिए सर्च एड्स रन करते हैं, हम उनके लिए लोकल एड कैंपेन्स रन करते हैं। अगर वो एक पर्टिकुलर एक लोकेशन में रैंक करना चाहते हैं, लोकेशन में अपना प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए लोकल एड कैंपेन्स रन करते हैं। अब ऑब्वियसली जब मेरे किसी को अगर टूथ पेन होता है, जैसे मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, तो बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, तो उसमें करना क्या है, आपको क्लिक टू कॉल डायरेक्टली हमें वही एड्स डालनी है, बिकॉज अगर किसी को इमरजेंसी होगी, किसी को पेन होगा, तो वो डायरेक्टली आपको कॉल करना चाहेगा। इससे कन्वर्जन्स भी आपकी बहुत स्मार्ट होती हैं, राइट। सो इसी तरीके के गूगल एड्स बनाएंगे, जिसमें हम बहुत स्पेसिफिक एड कॉपी बनाएंगे जिसमें अर्जेंसी होगी, जिसमें आप ऐसे फीचर्स डाल सकते हो कि आप इमरजेंसी के लिए भी अवेलेबल हो 24/7। तो गूगल एड्स को भी इसी तरीके से डिजाइन किया जाएगा। देन कम्स चैटबॉट्स फॉर अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग। लाइक आई सेड कि वेबसाइट पे आपकी चैटबॉट बनाई जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ कि आप देख रहे हैं, जैसे ये आप कोई भी आपका क्लाइंट है वो आपको रिप्लाई करेगा, देन एक ऑटोमेटिक मैसेज जनरेट होता है, इसको हम बोलते हैं एक ऑटोमेटिक बॉट। तो ये चैटबॉट अगर आप अवेलेबल नहीं भी हैं तो भी आपके क्लाइंट को ये सर्व करेगी, ठीक है। तो इसी से आपका डेटा, लाइक आई सेड, डेटा कलेक्शन हो रहा है, तो आप कभी भी किसी क्लाइंट को जाने नहीं देना चाहते, तो इसीलिए हम चैटबॉट्स बनाते हैं सो दैट लाइव इंटरेक्शन हो पाए, एंड यू नो वी आर स्टिल एबल टू इंटरैक्ट इवन इफ वेन वी आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। देन कम्स 360 डिग्री वर्चुअल ऑफिस टूर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये 360 डिग्री वर्चुअल टूर होता है, ये प्रॉपर एक ऑफिस का सेटअप दिखा रखा है, एंड इफ यू कैन सी प्रॉपर 360 डिग्री एक सिनेरियो दिखा रहे हैं, सो इट लुक्स वेरी नाइस। वो आपके गूगल लिस्टिंग के लिए भी काफ़ी बेटर है, वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, सो यू मस्ट इंक्लूड दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स। देन आता है यूज़र जनरेटेड
कैंपेन्स। यूजर जनरेटेड कैंपेन्स में क्या आएगा, जैसे मैंने आपको बताया एड्स में आपको इस तरीके की एड्स क्रिएट करनी है जिनसे आपके जो यूजर्स हैं वो कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा टंग प्रोवाइड्स क्लूज टू योर ओवरऑल बॉडी हेल्थ, फाइंड आउट दीज कॉमन सिम्टम्स कुड बी टेलिंग यू। तो ये एक ऐसा, मतलब ये एक काफ़ी कॉन्वर्जेशनल एड है, राइट? वॉट योर टंग सेज अबाउट योर हेल्थ, इट्स नॉट लुकिंग प्रोमोशनल, right? It's more of like you're talking to a particular person, what is your tongue telling you? तो इस तरीके के user generated, जो user को serve करें उस तरीके की ads आपको create करनी है, तो वो भी design करेगी आपकी agency. Then comes virtual reality experiences, augmented reality experiences. अगर let's suppose अगर आपको टीथ वाइटनिंग करानी है या आपको आपके जो ब्रेसेस आप लगवा रहे हैं एंड यू वांट टू फील कि आप उसमें कैसे लगेंगे, एंड हमेशा एक वो रहता है ना ऑकवर्डनेस कि यार आई डोंट नो हाउ यू गोना लुक आफ्टर यू नो यूजिंग दोज ब्रेसेस, तो आप उसका एक टूर दे सकते हैं, आप उसको इंटरैक्टिव वे में डिस्प्ले कर सकते हैं। काफ़ी अब कॉमन हो गया है, काफ़ी यू नो टेक्नोलॉजी आ गई है, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस यू कैन यू नो मेक दैट फीलिंग पॉसिबल फॉर योर क्लाइंट कि वो कैसे दिखेंगे बिफोर इवन पेइंग फॉर दैट सर्विस। तो वो बहुत ज़रूरी है डेंटल एक्सपीरियंसेस ऐसे देने के लिए अपने क्लाइंट को, अगर आप यू नो शाइन करना चाहते हैं अपने कंपेटिटर्स से तो आपको ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, एंड आप ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करिए तो उससे बहुत हेल्प होगा आपके क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट बिल्डअप होने में, राइट? तो ऐसे गेमीफाइंग करके कंटेंट देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देन कम्स डेंटल इंस्टाग्राम रील्स। अगर आप ये देख सकते हैं जैसे आंसर है एफ ए की क्वेश्चन, इस तरीके के आप रील्स क्रिएट कर सकते हो जो काफ़ी सारे डेंटिस्ट अब कर रहे हैं, दे यू नो पुट अ क्वेश्चन एंड उसके लिए वो वीडियो के थ्रू एक आंसर करते हैं, आंसर उनका वीडियोज के थ्रू होता है। शुड यू ब्रश बिफोर और आफ्टर कॉफ़ी, ये ऐसी तरीके की आपको रील्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है इफ़ यू आर अ डेंटिस्ट, बिकॉज लाइक आई सेड ना इंटरैक्टिव कॉन्टेंट का अभी टाइम है, तो जितना आप करेंगे उतना ही आप यू नो अपने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। देन ऑनलाइन फॉरम्स, काफ़ी सारे ऑनलाइन फॉरम्स हैं, आप सर्च करेंगे गूगल पे डेंटल ऑनलाइन फॉरम्स इन इंडिया, वट एवर कंट्री यू आर, इन विच एवर कंट्री यू आर, तो आप उन ऑनलाइन फॉरम्स को ज्वाइन करिए, ठीक है? वहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं, जैसे ये dentistryiq.com करके है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे फॉरम्स, इससे आपको ट्रेंडिंग कॉन्टेंट पता चलेगा कि क्या ट्रेंड करा है कॉन्टेंट, ठीक है? देन कम्स कोलैब विद अदर बिजनेसेस, आप जैसे अगर आप एक डेंटिस्ट हैं आप बाकी बिजनेसेस के साथ भी कोलैब कर सकते हैं अपनी सिटी में। अब कौन से हम इसे टारगेट जो हैं लोकल बिजनेसेस उनको हम टारगेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे स्पा, अगर एक स्पा का क्लिनिक है, सिंपल एक स्पा का फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेलनेस स्पा सेंटर है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो, जहाँ भी हेल्थ की बात आएगी डॉक्टर्स के पास आप जो भी ये सेंटर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर दैट इवन न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, डाइटिशियंस जो होते हैं, क्योंकि आप हेल्थ ओवरऑल हेल्थ की बात कर रहे हो, इवन पीपल हु डू योगा आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ओरल हेल्थ और आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो इंटरकनेक्टेड है, तो इसमें कोई ऐसे लिमिटेशंस नहीं है कि आप किसको रीच आउट कर सकते हो, जिस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वही आपकी एजेंसी आपके लिए, वही दिमाग लगाने के लिए है कि वो आपको बताएंगे कि आप कैसे आप कोलैबोरेशंस कर सकते हो डिफरेंट बिजनेसेस से, प्रमोट कर सकते हो, वहाँ पे आप डिस्काउंट का एक कार्ड वहाँ पे लीव कर सकते हो कि अगर वो कोई भी क्लाइंट उनके थ्रू आ रहा है तो वो डिस्काउंट उसको भी मिलेगा, और कुछ रेफरल्स मतलब अगर वो दे रहे हैं तो उनको भी कुछ कमीशन मिलेगा, ठीक है? तो आप ये कर सकते हैं, आप कोलैब कर सकते हैं बिजनेसेस के साथ। देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होंगे आपकी इंडस्ट्री में, डेंटिस्ट होंगे आई मीन जो ओरल हेल्थ को प्रमोट करते हैं, ये जो हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं जो हेल्थ में बिलीव करते हैं, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो। आप अगर आप जैसे मैंने आपको बोला कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री अगर आप करते हो, आई डोंट नो व्हाट यू एग्जैक्टली कॉल इट, बट अगर आप वो करते हैं तो आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को टारगेट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं किसी भी यू नो इन्फ्लुएंसर को, किसी भी जनरल ऑडियंस को ज़रूरत पड़ सकती है टीथ वाइटनिंग की, तो आप उन पर वो एक्सपेरिमेंट करके आप वो शो कर सकते हो, तो इन्फ्लुएंसर्स को आप अप्रोच करेंगे। देन कम्स जियो फेंस्ड प्रमोशंस, अब आप जियो फेंस्ड प्लेटफॉर्म्स पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी
अपनी ऑडियंस आपके एरिया में कोई आ गया, इमीडिएटली उनके पास एक नोटिफिकेशन चली जाएगी. अगर आप ये प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करते हो, आप गूगल पे सर्च करो कि जियो फेंस प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप यू नो अप्लाई कर सकते हैं. तो जब भी कोई भी ऑडियंस आपके एरिया में आ गया, कोई भी यूज़र, कोई भी यू नो ह्यूमन बींग, तो उससे क्या होगा कि उनको नोटिफिकेशन जाएगा, उनको डायरेक्ट एक मैसेज जाएगा, आप वो मैसेज में डिस्काउंट भी दे सकते हैं, सो दैट हमारा फुटफॉल ट्रैफिक काफ़ी अच्छा हो जाए इस तरीके से. देन आता है डेंटल हेल्थ सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस. आप डेंटल हेल्थ सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस बना सकते हैं काफ़ी सारे, उसमें आप इको फ्रेंडली, क्योंकि यू नो स्पॉन्सरशिप से भी काफ़ी सारे डेंटिस्ट ऑन करते हैं, तो इको फ्रेंडली टूथब्रश आप उनको उस सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं. अगर आप क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं कि हर महीने आप हर 3 या 6 महीने में जब भी वो आ रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो आप उनको एक ये दे सकते हैं. अगर वो सब्सक्राइब करते हैं तो आप उनको बोलते हो ठीक है, हम आपको टूथपेस्ट भी देंगे, हम आपको ब्रश भी देंगे, हम आपको डेंटल एजुकेशन की बुक भी देंगे. सो कुछ ना कुछ अपसेलिंग वहाँ पे भी चलती है, जो सब चीज़ें आपको एजेंसी ऑनर्स बताएंगे. तो ये तो सिर्फ एक कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट कर सकते हैं, बट आई एम टेलिंग यू बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. इट्स नॉट यू नो कन्वीनियंट फॉर मी ऑल्सो टू लाइक मेक सच अ लॉन्ग वीडियो. काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालते हैं जो हम पर्सनली अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करते हैं. तो ये एक बस टिप्स एंड बिट्स था, एक स्निपेट था डिजिटल मार्केटिंग का, कैसे हम एक डिजिटल मार्केटिंग डेंटिस्ट के लिए बनाते हैं. ऑलराइट, तो अभी हम बात करेंगे ChatGPT प्रॉम्प्ट्स जो डेंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं. ये काफ़ी यूनिक प्रॉम्प्ट्स हैं, दीज आर नॉट बेसिक प्रॉम्प्ट्स. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है. जैसे मैं एक प्रॉम्प्ट आपके लिए रीड कर देती हूँ. राइट अ डायलॉग बिटवीन अ टॉकिंग टूथब्रश एंड अ रिलक्टेंट टूथ पर्सुएडिंग इट टू ज्वाइन द ओरल हाइजीन रूटीन. ऐसी स्टोरी टेलिंग आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. कॉन्टेंट तो किंग है ना, आपको पता है. तो आप ऐसा कॉन्टेंट अपनी कॉपी राइटिंग में लिखिए कि कन्वर्जन भी आपकी बहुत अच्छी हो. आप ऐसे यूनिक आइडियाज लेके आइए. तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ChatGPT प्रॉम्प्ट्स का. एंड ऑन दिस नॉट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो. अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ रही हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, अपना फीडबैक शेयर करिए. यू कैन लीव योर फीडबैक इन द कॉमेंट्स एंड लेट मी नो एनीथिंग, लाइक एनीथिंग इफ यू वॉन्ट हेल्प विथ समथिंग. एंड या दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय बाय.